पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं सलमान ली? सरदार कॉमेडी का मूवी में होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है लोगों को मूवी से जोड़ना? मूवी मेकर महेश मांजरेकर की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ में सुपरस्टार सलमान खान एक सीख पुलिस अफसर के किरदार में नजर आने वाली है। दबंग, वांटेड, राधे और गर्व जैसी कई फिल्मों में पुलिस वाले की भूमिका निभा चुके दबंग खान को इस बार सिर्फ पगड़ी बांधे सरदार की भूमिका में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मूवी के निर्देशक महेश मांजरेकर का तो कहना है कि सलमान के किरदार को पिछली बार से अलग बनाने के लिए ऐसा किया गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सलमान ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि वो इस किरदार के लिए पगड़ी पहने, जो उनको काफी पसंद भी आया। लेकिन अब चाहे मांजरेकर और सलमान साहब कुछ भी कहें, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में सरदार और पंजाबी किरदारों का प्रचलन बहुत पहले से आ रहा है। आप जरा कुछ पहले की फिल्में याद कीजिए, उस समय में बनने वाली अधिकतर फिल्मों में एक किरदार सरदार जरूर हुआ करता था। अब चाहे वो सन ऑफ सरदार का अजय देवगन हो या सिंह इज किंग का अक्षय कुमार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश फिल्मों में एक सरदार किरदार को रखा जाता है? क्या इसके पीछे किसी का दबाव होता है या फिर किसी तरह का टोटका? क्योंकि मूवी इंडस्ट्री में अंधविश्वास बहुत है कि आधों फिल्मों के टाइटल तक में डबल लीडर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषी का सुझाव होता है कि इसी मूवी के सुपरहिट होने का संभावना अधिक रहती है। खैर, इन दोनों में से कोई भी वजह सही नहीं, असली वजह अलग है। दरअसल किसी भी मूवी से पंजाबी समुदाय को कनेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि पंजाबी लोगों में अपने समुदाय के लोगों के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा होता है। वो मूवी में सरदार किरदार से खुद को काफी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह यदि मूवी को पसंद आ गई तो इस मूवी की फ्री में पब्लिसिटी भी हो जाती है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण दूसरा भी है, वो ये है कि एक जमाने में मूवी इंडस्ट्री पर पंजाबी लोगों का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था। आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्मी परिवार कपूर खानदान हो या फिर बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे यशराज और धर्मा, ये सभी लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। कहीं ना कहीं से इनकी जड़ पंजाब से ही जुड़ी हुई है। ऐसे में अपनी फिल्में बनाते हुए ये लोग अपनी कम्युनिटी के एक किरदार को जरूर रखते हैं। तीसरा कारण ये है कि मूवी को हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र में पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए अलग अलग धर्म, वर्ग और क्षेत्र के किरदार रखे जाते हैं, ताकि रियल लाइफ में वो कनेक्ट कर पाए और उससे संबंधित लोग खुद को उस सफल मूवी से जोड़ पाए। और यही वजह है कि आपने कई बार देखा होगा कि पहले की फिल्मों में मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख किरदारों को प्रमुख जगह दी जाती है। आज वो सोशल इश्यूज पर फिल्में बनती हैं, वो इसलिए बनती हैं ताकि लोग उस मूवी के किसी किरदार में खुद को जिंदा कर पाए। अब चाहे वो थ्री इडियट्स हो या फिर वेब सीरीज गुल्लक, लोगों को मूवी से जोड़ने के लिए डायरेक्टर आखिर हर कोशिश करते हैं। जैसे कि छोटी सी कोशिश अंतिम में सलमान खान ने की। आप मूवी से किस तरह से खुद को रिलेट करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक